यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया? अभी तक यहाँ पे जो है अभी तक कुछ भी नहीं मतलब मिला गया है। और मान्यता है कि जो भी लोग अपना मतलब जो इच्छा लेके आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है बाबा के दिन से। हर घर तिरंगा के नाम पर तिरंगा तो फहरा दिया गया लेकिन उस तिरंगे को इज्जत के साथ नहीं उतारा गया, वो भी आप देखेंगे। मंदिर का झंडा ऊपर है और तिरंगा नीचे है। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बम। इस वक्त हम खड़े हैं, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बुढ़वा महादेव है और यहाँ पे लोग आए हैं रजरप्पा से जल उठाकर लोग आते हैं यहाँ पे और 3 किलोमीटर लोग यहाँ से पैदल चलते हैं। अगर आप श्रावण से पहले आएंगे तभी लोग मोटरसाइकिल से चढ़ते हैं पर अभी लोग इस श्रावण में पैदल चढ़ते हैं। ये यहाँ का भक्ति है और आप मेरे पीछे देखिए जहाँ तक ये पूरा चलेगा और काफ़ी दिनों तक ये चलता है। और भी लोग हैं, अभी इधर से आप सब देखेंगे लोग जल चढ़ाकर आ रहे हैं, और भी लोग हैं हम समझेंगे। कहाँ से आए थे जल लेके? रजरप्पा से। हाँ, रजरप्पा से पैदल। पैदल कितना किलोमीटर है ऊपर? ऊपर है होगा 2 किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर। भीड़ है? पूरा भीड़ है, पूरा भीड़ है। चलिए, कहाँ से आ रहे काका, जल चढ़ा के आ रहे हैं? जी हाँ। कहाँ, ऊपर कितना दूर है, कितना किलोमीटर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 किलोमीटर तो लोग पैदल चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। चलिए, ये है कि लोग यहाँ से, कोई रजरप्पा से आ रहा है तो कोई, आप कहाँ से लोकल है कि कहाँ से? हम यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर दूर से हैं। अच्छा। और रजरप्पा से भी लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा है यहाँ, एक आस्था है लोगों का। और क्या मानना, ये मंदिर इसका मानना क्या है? मंदिर मानना यही है कि यहाँ का जो स्थापना है राजा के टाइम में हुआ था। यहाँ के जो राजा थे कामख्या नारायण, मैंने उनके द्वारा यहाँ किया गया। और मान्यता है कि जो भी लोग अपना मतलब जो इच्छा लेके आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है बाबा के दिन से। चलिए, ये आस्था है लोगों का और लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं और जाते हैं। ये है और कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग हैं। और चलिए चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। एक चीज़ें और हैं कि आस्था तो ठीक है, आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से हमने अपने तिरंगे को राजनीति झंडे में और आस्था के झंडे में मार दिया है, उसी तरह से ये है कि आप देखिए कि राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा तिरंगा झंडा, वो तिरंगा झंडा आप कहाँ पे लगा हुआ है और मंदिर की जो झंडे हैं वो कहाँ पे लगा हुआ है, ये भी देखने की जरूरत है कि अगर हम आस्था के नाम पे अगर हम अपने तिरंगों का अपमान करते हैं तो ये भी देखना होगा कि अगर आस्था अपनी जगह पे है पर तिरंगे का अपमान कहाँ तक सही है। कि तिरंगा झंडा कभी भी किसी भी झंडे के नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे कहीं भी देखेंगे तिरंगा आपको मंदिर के झंडे से नीचे ही मिलेगा। ये भी है और भी जगह हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से लोग, अगर हर घर तिरंगा के नाम पर तिरंगा तो फहरा दिया गया लेकिन उस तिरंगे को इज्जत के साथ नहीं उतारा गया, वो भी आप देखेंगे। मंदिर का झंडा ऊपर है और तिरंगा नीचे है, और भी आपको हम दिखाएंगे। अब जिस तरह से आप देखेंगे, एक वहाँ पे भी तिरंगा लगा है उसको भी आप देखेंगे कि किस तरह से हर घर तिरंगे के नाम पे तिरंगा लगा के छोड़ दिया गया है। आस्था अपनी जगह पे है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जा? बुढ़वा महादेव। कभी चले थे और कितने दिनों से पहुँचे यहाँ पे? कितने दिन से? शनिवार को चले थे, आज सोमवार को जल ढारने आए। पैदल? हाँ, पैदल। पैदल जी, पैदल। कहाँ घर? पिपराड़ी। पिपराड़ी, पिपराड़ी, पिपराड़ी। अब बोल बोल बम, बोल बम। हर घर तिरंगे के नाम पर पूरे घर के छतों पर तिरंगा लगा दिया गया, लेकिन आप देखिए जिस तरह से तिरंगे का अपमान अगर अभी तक हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा कि तिरंगा कितने दिनों से लगा है। हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे भी अगर आस्था के नाम पर जिस तरह से तिरंगा लगा दिया जाता है पर उस तिरंगे को जिसकी इज्जत देनी चाहिए वो तिरंगा को कभी इज्जत मिला नहीं। अगर हमारा तिरंगा हम बोलेंगे तो सिर्फ जिस तरह से मंदिर का झंडा होता है, नेताओं के झंडे होते हैं और पार्टियों के झंडे होते हैं, उसी के साथ तिरंगे को भी शामिल कर दिया गया। तो आप देखेंगे तिरंगा लगा है, फटा है, चुटा है, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही तिरंगा का आस्था हो गया है, उसे भी धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया है। कहाँ से? रजरप्पा से। कभी वहाँ से जल चढ़ा उठा के? 25 तारीख से चले थे। 25 तारीख जी। और अभी कितना दूर और आप लोग ऊपर चढ़ेंगे? बस पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ जितना किलोमीटर। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बम। एक और सवाल है, आप लोग पैदल चल रहे हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया? अभी तक यहाँ पे जो है अभी तक कुछ भी नहीं मतलब मिला गया है।
नेताओं के तो फोटो लगे हैं सब तरफ पे, यहाँ पे भी लगे, यहाँ पे भी लगे। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला गया है। जो किए हम लोग अपने से किए हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी व्यवस्था नहीं? यहाँ पे किसी तरह का नहीं हुआ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिला, यहाँ तक अभी कोई व्यवस्था नहीं मिला। आप लोग पैदल चल रहे हैं? ये देख, यहाँ पे ये है कि ये लोग पैदल चढ़ कर आ रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे मंदिर के जो व्यवस्था है उससे ये लोग को कुछ व्यवस्था नहीं दी गई है, ये इनका कहना है। ये बुढ़वा महादेव मैनेजमेंट का फोटो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और जिस तरह से अभी हमने भक्तों से बात किया कि लोग जो पैदल चलकर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ के मैनेजमेंट में कोई भी व्यवस्था नहीं की है। आप देखेंगे कि सिर्फ बैनर और पोस्टर लगा दिया गया है, लेकिन जो भी यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, जो भी जल चढ़ाकर आ रहे हैं, उनसे हमने बात की तो अभी उनका कहना ये है कि यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा हमें कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई है। आगे और भी लोगों से बात करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या है मैनेजमेंट का। यहाँ पे आप देख सकते, पीछे भी आप देखेंगे कि किस तरह से ना ट्रैफिक की व्यवस्था है ना कुछ है, लोग किधर से भी गाड़ियाँ डाल रहे हैं। अगर ये पैदल चलने वाला रास्ता है फिर भी यहाँ पे लोग गाड़ी डाल रहे हैं। ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। इसके पीछे आपने देखा कि किस तरह से बिना मैनेजमेंट किए हुए लोग कहीं से भी गाड़ियां डाल दे रहे थे, उसके वजह से पूरा जाम लगा हुआ था। इधर भी देखेंगे कि ये पैदल चलने वाला रास्ता है लेकिन लोग गाड़ी डाल रहे हैं। ये यहाँ का मैनेजमेंट है, ये यहाँ का। अगर इतनी भीड़ है तो यहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं, यहाँ पे लोग जल चढ़ा कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग गाड़ियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज़ हम आपसे समझ रहे हैं, ये बुढ़वा महादेव, ठीक है, लोग यहाँ पे आस्था के लिए जाते हैं, लेकिन आप फिर भी गुटखा और पान दोनों। हाँ सर, गुटखा पान तो बेच रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि मंदिर के सामने जो लोग आ रहे हैं, जो आस्था की पूजा कर रहे हैं, यही गुटखा और पान खाएंगे और थूकेंगे, फिर लोग वही से उसी को ये करके मंदिर में जाएंगे? इधर जाने टाइम कोने खाता है, उधर आने टाइम खा चला। फिर भी ये मंदिर है, यहाँ पे आस्था का केंद्र है, फिर भी आप गुटखा और पान बेच रहे हैं? सर गलती हमसे हो चुका है, आपसे नहीं बेचेंगे। आज भी बेच दिए, कल से नहीं बेचेंगे। बिजनेस आप करते हैं आपके जगह पे सही है, लेकिन हमारा कहना है कि आप जहाँ पे लोग मंदिर में आ रहे हैं चढ़ावा करने के लिए, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, वहाँ पे आप पान और गुटखा मसाला बेच रहे हैं। हमसे गलती होगी, आज के बाद नहीं बेचेंगे। ये है कि जहाँ पे भी अगर आस्था का आप केंद्र देखेंगे वहाँ पे आपको दो चीज़ जरूर मिलेगी। एक पान और गुटखा तो हम आपको दिखा दिए, एक दान पेटी जरूर मिलेगी जहाँ पे लोग पैसे डालते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के नाम पर आपको क्या दिया जा रहा है वो भी आपको देखना होगा।